हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में बताऊंगा बस सिमुलेटर इंडोनेशिया में जो ओपन कैसे करें, इसको ओपनिंग में प्रॉब्लम आ रही बहुत सारी यूज़र्स को, तो ओपनिंग कैसे करें इस गेम की आज की वीडियो में बताऊंगा कि जो फाइल होती है फोल्डर में कैसे पेस्ट करें, ये सब आज की वीडियो में बताऊँगा, जिससे आपकी जो ओपनिंग प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल जीरो टू इन्फिनिटी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने फाइल मैनेजर है उसको ओपन करना पड़ेगा। तो उसमें कुछ सेटिंग है वो करनी पड़ेगी जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो क्या क्या करना है वो मैं बताऊँगा। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद आपको अपनी स्टोरेज पर आ जाना है, इंटरनल स्टोरेज पर। तो यहाँ पर मैं इंटरनल स्टोरेज पर आ गया हूँ। तो हमें यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे एक फोल्डर हम क्रिएट करते हैं, तो आपको भी सेम स्टेप फॉलो करने हैं। यहाँ पे आपको लिखना है कैपिटल में BUSSID। तो ये फोल्डर आपको यहाँ पे क्रिएट कर देना है। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको क्रिएट कर देता हूँ। तो क्रिएट करने के बाद क्या करना है, तो ये वाला फोल्डर है दरअसल, इसको हमें क्या करना है यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले नीचे स्क्रोल डाउन करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से कॉपी करना है अभी, तो इसको कॉपी करते हैं और इंटरनल स्टोरेज में हमें पेस्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे हमें इंटरनल स्टोरेज पे जाना है, फिर एंड्रॉयड वाले सेक्शन पे जाना है। तो एंड्रॉयड वाले सेक्शन पे यहाँ पे जाते हैं हम, तो एंड्रॉयड वाला सेक्शन आपको ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें नीचे एंड्रॉयड वाला ऑप्शन मिल गया है, तो यहाँ पर हमें जाना है डाटा वाले सेक्शन में। तो डाटा वाले सेक्शन में आपको चले जाना है। तो फिलहाल ये ऐसा कुछ लिखा रहा है, तो ऐसा जब लिखा आता है आपने प्राइवेसी लगाई होती है अपने फोल्डर में, तब ये प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे पेस्ट नहीं होगा। तो कैसे पेस्ट करें वो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना, जो मेन्यू दिख रहा था इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से आपको एंड्रॉयड वाले सेक्शन को ढूँढ लेना है। तो हमें एंड्रॉयड वाले सेक्शन को ढूँढ लेना है और यहाँ पर डाटा पर क्लिक कर देना है। तो जैसे डाटा पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो हमारी गेम है बस सिमुलेटर उसका एक फोल्डर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, बस सिमुलेटर इंडोनेशिया का BUSSID का। तो फिलहाल मैंने गेम अनइंस्टॉल की है इस कारण मुझे दिख नहीं रहा है। तो आपको उस फोल्डर को ढूंढ लेना है और वहाँ पे अपनी जो फाइल है उसको पेस्ट कर देना है। फाइल को पेस्ट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ से एक बार अपने डिवाइस को रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट करने के बाद फिर से गेम प्ले करने की कोशिश करनी है और जो भी प्रॉब्लम आ रही थी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।